देवियों और सज्जनों, भाइयों और बहनों, दलाल स्ट्रीट में आपका स्वागत है। और दलाल स्ट्रीट में लोग कह रहे हैं स्पार्क की कमी है, यानी बिजली की कमी है। और हो भी क्यों ना, IEX के शेयर में जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, दलाल स्ट्रीट की ऊर्जा बिल्कुल कम हो चुकी है। इतनी बड़ी गिरावट स्पेशली IEX में, जिसको हम मोनोपोली कह देते, वो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं थी और कई रिटेल निवेशकों का वन ऑफ द फेवरेट शेयर था, तो इसकी चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा भाई और बहनों, मैं ये जो चर्चा करूँगा ना, वो स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे करूँगा। फंडामेंटल एनालिसिस पहले से उपलब्ध है, रीसेंट वीडियो बनाया, एक्सप्लेन किया है कि क्यों गिर रहा है IEX शेयर, क्या ये मरती हुई मोनोपोली है, नए कॉम्पिटिटर आ रहे हैं जिनके प्रमोटर हैं भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो आप समझ सकते हो। अगर और डिटेल में जानना चाहते हो तो वो फंडामेंटल एनालिसिस वाला वीडियो बिल्कुल देखें, एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के रूप में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्राइस देखते हैं, 138 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसका कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखोगे तो कोई भी नोइंग कैंडलस्टिक फिलहाल तो नहीं बन रही है, लेकिन डेफिनेट ट्रेंड बन रही है। और वो ट्रेंड है डेफिनेटली एक बड़ी डाउन ट्रेंड जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। सपोर्ट की बात करें तो 152 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिसको ब्रेक करने के बाद ये सीधे 138 के सपोर्ट पर आ चुका है। अब ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, 138 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बनाओगे तो ये 62% रिट्रेसमेंट पर लैंड करता है। अच्छा कहाँ से बनाओगे ये भी तो बता दूँ, आप बनाओगे इसके कोविड के लो से और टोटल हाई जो इसने बनाया वहाँ तक। तो सोच लो कितने इम्पॉर्टेंट एब्सोल्यूट हाई और लो लेवल से हम यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता चलेगा लगभग 62% रिट्रेसमेंट आपको आ चुका है। और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है 138 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अब IEX के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस सपोर्ट को बचा के रखना। अगर ये सपोर्ट नहीं बचा, उसके बाद आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ये ग्रीन लाइन से मैंने यहाँ पे मार्क की है। ये ट्रेंड लाइन आपकी कोविड के लो से चलती हुई आ रही है। अब ये ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट देगी, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे है, डिपेंड करता है कि ये कितने दिनों में इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए, तो आपका सपोर्ट लगभग 126-128 के आसपास बनेगा। ये आपका 138 को ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके नीचे गिरा तो 109 के आसपास, 109-110 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब ये दोनों सपोर्ट आपके बहुत ही ज़्यादा मेजर है, मैं जानता हूँ ये काफ़ी अभी नीचे हैं, और रीसेंट सपोर्ट भी 126-128 का भी काफ़ी नीचे है, जल्दी नहीं है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि 138 को सपोर्ट को ये बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करनी चाहिए, लेकिन हर तरह से अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। टेक्निकल बेसिस पर मैंने आपसे चर्चा कर दी है, इनफैक्ट तीनों मूविंग एवरेजेस के ये नीचे भी है, 50, 100, 200, तीनों मूविंग एवरेजेस से नीचे भी है, तो कहीं से भी टेक्निकल पे अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। क्या ऑप्शन चेन से अच्छे संकेत आ रहे हैं? लेकिन सैडली बता दूं, ऑप्शन चेन से भी अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं आ रहे। दबा कर यहां पर मंदी की पोजीशन बनाई गई है, यानी जो मंदी की पोजीशन बना रहे हैं IEX में, एक तरफा पैसा कमा रहे हैं, और ये बहुत पहले से बना रहे हैं, लगातार रोल ओवर भी कर रहे हैं अपनी मंदी की पोजीशन को। काफ़ी ज़्यादा शॉर्टिंग की गई है, हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो 150 पर लगभग 44 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन बनाई गई है। इनफैक्ट 140 पे भी आप देख सकते हो लगभग 20 लाख की कॉन्ट्रैक्ट बनाई गई है, जबकि पुट साइड पर देखोगे ना, बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 140 का, जहां पर 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं तेज़ी की पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि वहां से ये काफ़ी नीचे गिर चुका है, लगभग 138 के लेवल पे गिर चुका है ना, जैसे जैसे अभी तो 17 तारीख है, जैसे जैसे ये मंथ की क्लोजिंग आएगी, हम मंथ के एंड की तरफ आएंगे ना, ये दिक्कत होगी कि ये जो तेज़ी की पोजीशन है, अब जो उनका नुकसान हो रहा है वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, और यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्क बन जाती है, 138 का लेवल ब्रेक हो सकता है जिस तरह की शॉर्ट हो रही है और जिस तरह के तेज़ी वाले हर लेवल पर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है ना, वो
आपका इसके बाद सीधे 135 का सपोर्ट बन के आ रहा है, जहाँ पे 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 130 पे लगभग 19 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के भी हिसाब से बताया ना, 138 ब्रेक होने के बाद फिर आप 126 128 के लेवल के सपोर्ट की तरफ बढ़ने लगोगे, तो ये खतरा बन रहा है। ऑप्शन चेन से भी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि सपोर्ट है बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट यहाँ पे शॉर्ट की पोजिशन बनती नज़र आ रही है और टेक्निकल के हिसाब से भी। यानी एक लाइन में कहूँ तो 138 का लेवल अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर बिल्कुल ध्यान देना। उसके बाद नीचे के सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। ऊपर के साइड की चर्चा करनी है क्या? मुझे नहीं लगता ऊपर के साइड की चर्चा करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। फिलहाल तो ये स्टॉक एक तरफा नीचे गिर रहा है, पहले हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए कि पहले ये गिरना तो बंद करे तो हम चर्चा करें ना ऊपर कहाँ जाएगा। तो अभी तो एकदम डाउन ट्रेंड में है, अभी आपको देखना है कि कहीं रुकावट का आपको स्तर देखना है। रिवर्सल की कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन फिलहाल नहीं हुआ है। 138 के पास आप देख रहे हो एक बार सेकेंड टाइम अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर ये सक्सेसफुल होता है ना तो ये एक हो सकता है रिवर्सल का संकेत हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 138 इंपॉर्टेंट है, आपके डाओ के पैटर्न के हिसाब से भी ये डबल बॉटम बनने के लिए 138 का लेवल आपको सपोर्ट करना है। बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ लेकिन इंपॉर्टेंट है सर, तो प्लीज़ इस पे ध्यान रखिएगा। आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट में आपकी क्वेरी क्लियर कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पेटीएम मनी का डीमैट अकाउंट जहाँ पे 15 रुपये FNO पे लगते हैं और 5 रुपये की कीमत आप तो जानते ही हो, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा, एफिलिएट लिंक है, डिस्क्रिप्शन से ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू सो मच। और कोई भी वीडियो और आप चाहते हो तो उसका भी सजेशन प्लीज बताएं।